आज एडीजी आगरा ऑफिस पर पहुंचा प्राति दीपक। दीपक ने बताया कि मेरे बेटे राहुल को झूठा फंसाया जा रहा है, वहीं आपको पूरे मामले से अवगत करा देते हैं। दीपक पुत्र स्वर्गीय श्री शंकरलाल निवासी गांधीपाड़ा दोनल वाली गली मंटोला जिला आगरा का निवासी है, जो एक सीधा साधा कानून आस्था रखने वाला व्यक्ति है। प्राति अपनी धर्मपत्नी रज्जू के साथ दिनांक 27/6/2022 को अमरनाथ यात्रा पर गया था। प्राति के पुत्र राहुल व दोनों पुत्री परी उम्र करीब 12 वर्ष और कृष्णा उम्र करीब 14 वर्ष घर पर ही थी। एक अन्य पुत्री अंजलि जो शादीशुदा है अपने पति आकाश के साथ अपनी ससुराल पता मधुनगर जिला आगरा निवासी निवास कर रही थी। प्राति की अनुपस्थिति में प्राति के ही रिश्तेदार रूबी पुत्री राम स्वरूप पत्नी श्याम निवासी नगला खुशहाली पानी की टंकी राजीव टाकेज के पास सागन जिला आगरा जो स्वभाव से आपराधिक किस्म के लोग हैं प्राति के घर जाकर जरूरी काम के लिए 1,00,000 रुपये मांगने घर आए और प्राति को घर पर ना पाते हुए प्राति के पुत्र राहुल से पैसों की मांग करने लगे। वहीं साथ ही बताया कि रूबी ने मेरे बेटे राहुल पर करीब 5,00,000 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मंटोले का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला है? आज एडीजी आगरा ऑफिस पर आप आए हैं। मामला ये है कि मैं अपनी बहन रूबी से 10,000 रुपये लेने करीब गया था, तो मेरी बहन ने मुझे इतवार के लिए इतवार को बुलाया 27 तारीख को, तो मैं 12,000 रुपये की चोरी बताई थी कि घर में चोरी हो गई है भैया, मैं जाँच करूंगी। तो दूसरे मेरे लड़के को बुलाकर कही थी कि आपका लड़का ले गया 12,000 रुपये निकाल के। मैंने कहते किसी बाबा के पास गई थी, उसने ऊँट में बताया था मैं कि 12,000 रुपये निकल गए हैं। मैंने इतने कैसे ले लिए 12,000 रुपये? तो उस मामले को लेके मैंने कहा मैंने ऐसा है, मैं इस मामले को यहीं दफा दफा करो, मैं आकर देखूंगा जो भी लेना लेना होगा। मैं जा रहा हूँ यात्रा पे, तो मैं चला गया यात्रा पे वरना आपको अपनी घरवाली को ले गए। मेरे बच्चे सब घर रह गए। घर रहने के बाद मैं रात को 1:30 बजे फोन आता बस में, मैं चलते हुए कि मेरे घर से 2,00,000 निकल गए, मेरे घर से 3,00,000 निकल गए, मेरे घर से 2 चैन चोरी हो गई। इस तरीके से मुझे टॉर्चर करा। तो मैं कह रहा मैंने, मैं तो यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे इस मामलों से अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जब घर आऊँ जब मुझे पैसे का पूरा मिलना चाहिए। अब माँ मैं घर आया तो मुझे धमकी मिलती है कि आकर आप थाने पर वो घर आइए, घर से देखिए मेरे घर में इतना चोरी है, मुझे पैसे चाहिए। और अपने लड़के को लेकर 3 लड़के हैं जिनके संग मुझे ड्रामा हुआ, उसमें मेरे लड़के ऊपर आरोप ज़्यादा लग रहा है और मेरे लड़के को पकड़ा जा रहा है। और मैं थाने पर 2 बार गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर मेरा लड़का 5,00,000 रुपये लेता है और 2 चैन लेता तो मेरा लड़का यहाँ होता, हम यहाँ होते? हम एक मजदूर नौकरी करने वाले, हम क्या करें? हमें न्याय दिलवाओ। हमें हम बहुत परेशान गए थे, थाने पर गए थे हम 11 तारीख को 12 तारीख को गए थे थाने पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और रूबी जो भी कुछ कर रही थाने पर जाकर, हमें नहीं मालूम है क्या कर रही है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। हमें चाहिए न्याय। हमारे लड़के ने कुछ भी नहीं करा है, हमारा लड़का हमसे मना कर रहा है। हम 2 बार लड़के को थाने पर ले आके हमने माँ पर बैठा भी दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें चाहिए न्याय। मैं क्या नाम है आपका जी? तेज बोलो थोड़ा। क्या मामला है? पूरा मामला बताओ। किसने लगाया आरोप? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो आप आज आप एडीजी ऑफिस आई हैं साहब से मिलने, तो यहाँ हम साहब से क्या गुहार लगाई आप? नहीं लगाई, हम तो गए हम कहाँ से लेंगे पैसे? हम तो 5,00,000 का चोरी इनकम लगा दिए हमारी घर। हम 2 बार थाने भी गए थे, हम कहाँ से लेगा? हमारी कोई सुनवाई भी नहीं आई थी, नेग भी